नहीं होता कुछ भी, ऐसे नहीं होता कुछ भी, जी जान लगाना पड़ता है। दो चार एम को छोड़कर एक लक्ष्य बनाना पड़ता है। थोड़ा मेहनत करने वाले करोड़ों मिलेंगे, थोड़ा मेहनत करने वाले करोड़ों मिलेंगे, बट कुछ पाने के लिए गंवाना भी बहुत पड़ता है। तो चलिए आप और भी यहाँ पे इस सर बैठे हुए हैं, तो राजेश सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी दो शब्द बोले और कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। नमस्ते सभी सरों और सभी बच्चे को भी मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई है कि इस महाटेस्ट में सभी लोग उपस्थित हुए हैं और सभी बच्चे अच्छा करें और आगे चल करके। और इस बार तो बच्चे बहुत कम आए हैं, बट सभी को ये होना चाहिए कि यदि हुआ है ये प्रोग्राम तो जो भी बच्चे को बोला गया है वो जरूर से जरूर उपस्थित रहे। यहाँ तक जो देखा गया है कि अधिक मात्रा में सभी उपस्थित लग रहे हैं और कम मात्रा में संख्या में स्टूडेंट है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो अच्छा हम लोग को भी लगे। और यदि शिक्षा की बात किया जाए तो अधिक से अधिक टाइम दे पढ़ने के लिए और जल्दी से सवेरे उठे और सवेरे उठ करके फिर पढ़े और जो भी है उसको आगे की ओर लेके चले। तो जैसे हम लोग कहते हैं सफलता, सफलता उन्हीं को होता है जो मेहनत करता है। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ऐसा बोल रहे हैं कि सफलता जो है मेहनत पे ही हावी होता है, किसी दूसरे पर नहीं। सफलता जो होता है वो मेहनत पर ही हावी होता है, बिना मेहनत वाले पर नहीं जाता। मेहनत जो बच्चा करता है उसी पे सफलता हावी होती है, दूसरे पे नहीं। ठीक है, और आगे मैं क्या कहूँ, जो भी सर बोले हैं उन्हीं का अनुग्रह कीजिए और आगे पढ़ते ही रहिए। इसके बाद अपने वालेकुम सर बोलता हूँ। आगे सर भी कुछ दो शब्द रखेंगे। धन्यवाद सर, तो आपने हमको कुछ बोलने का मौका दिया और यहाँ जितने भी सर हैं सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सब यहाँ आकर अपने कितने समय को दिए और जितने भी स्टूडेंट आज प्रेजेंट हुए हैं वो अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करते हैं, क्योंकि जो कुछ नहीं कर पाते वही अपसेट होते हैं। उनको हिम्मत नहीं होता कि हम वहां जा सकते, लेकिन जिसमें हिम्मत होता है वो जरूर ना जरूर प्रेजेंट हो जाते हैं। लेकिन हिम्मत रखना बहुत जरूरी है और मेहनत के साथ हिम्मत का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे आज नहीं आए वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस लायक नहीं समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी लायक हैं और उनको भी आना चाहिए था, ताकि वो समझ सकते कि यहाँ आने के बाद यहाँ का माहौल, यहाँ का जो अभी इन्वायरमेंट है वो देखते वो समझते, फिर उनको एक मोटिवेशनल, जैसे सर मोटिवेट साइकिल बनाते रहते हैं तो वो सिर्फ देखते हैं हम लोग, लेकिन सामने जो होते हैं उससे हम ज्यादा सीखते हैं। इसलिए सारे बच्चों को आना चाहिए और हमको पिछला बार भी आए और पिछले बार के बच्चे इस बार बच्चे कम है, जो हमको भी खराब लग रहा है क्योंकि पिछले बार बहुत ज्यादा बच्चे आए थे, तो शायद ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ध्यान रखिए कि आप लोग मेहनत करें और सक्सेस करें, ताकि हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि नहीं बच्चे यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो सक्सेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे जाके कुछ ना कुछ करेंगे। धन्यवाद। लास्ट में अनिल सर बच गए हैं, अनिल सर भी कुछ बोल ही लेंगे तो बातचीत फिर में। धन्यवाद विक्रम सर और सभी सर को भी धन्यवाद और सभी स्टूडेंट को भी। जैसा कि यार टेस्ट है, पिछले 5 सालों से टेस्ट है, यहाँ आयोजन हो रहा है विक्रम रियल में और केमिस्ट्री का कंपटीशन ले रहा है, जो कोरोना के चलते 2020 में नहीं हो सका, जो उसका एक्सटेंड करके 10 जनवरी को टेस्ट हुआ, उसमें 60 स्टूडेंट ने भाग लिया, इसमें से कुछ यहाँ कम स्टूडेंट आए हैं। तो ऐसा नहीं सोचे, जो मेहनत करेगा वो आगे निश्चित ही बढ़ेगा। तो जैसा कि जानते हैं कि विक्रम सर देवघर टीचरों में से एक जाने जाते हैं, केमिस्ट्री के बहुत अच्छा टीचर माने जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ रिजल्ट देखा जाए, रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 90% रिजल्ट यहाँ से केमिस्ट्री में रिजल्ट पास हो ही जाते हैं, एक्का दुक्का जो होता है जो फेल हो ही जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि
मेहनत एकदम जी जान लगा के करें। पड़ोसी तो ऐसे ही फुदक रहा, हमारी कंपटीशन तो एग्जाम से है, पड़ोसी तो ऐसे ही फुदके, तो इसीलिए मेहनत एकदम जी जान लगा दे। आगे जो दो महीना बचा है विषय छोड़ के 5 घंटा सेल्फ स्टडी करें, तभी फर्स्ट डिवीजन कर पाएंगे। और जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा काम कि कर लोग करना चाहे आपके जैसा। तो जैसा कि आप लोग अब जान चुके हैं कि टॉप थ्री में कौन है, टॉप थ्री में है खुशबू कुमारी, प्रशांत कुमार, रूबी कुमारी। तो अब जो टॉप थ्री में जो है उनका नाम बोला, जो टॉप थ्री पे है वो है कौन होंगे आप लोग बताइए, कौन हो सकता है, एनी गेस? कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है, चलिए मैं ही बता देता हूं। तो जो टॉप थ्री पे है उनका नाम है रूबी कुमारी, और इनको मिलेगा पूरा 500 प्लस मेडल, और ये प्राइज देंगे पुलिस सर। बिग क्लैप। तो आप इनको मिलता पूरा 500 और इनके सब नहीं है। तो आप तो आप लोग जान ही चुके हैं, अब दो ही बच्चे बचे यानी खुशबू कुमारी, प्रशांत कुमार। तो अब ज्यादा मैं देर नहीं करता हूं, तो मैं बता ही देता हूं जो सेकेंड रैंक पे, सेकेंड रैंक पे जो है वो है प्रशांत, तो पता चल ही गया जो टॉप पे है वो है खुशबू कुमारी, बिग क्लैप। और ये पूरा 57 मार्क्स में से 55 मार्क्स ला करके टॉप की है, और इनको पूरा 2000 प्लस कप प्लस मेडल, और हमारे घनश्याम सर की तरफ से 200 रुपीज। तो सबसे पहले प्रशांत कुमार को सम्मानित करेंगे संतोष सर और प्लस घनश्याम सर, 1000 प्लस कप, यहाँ पे 1000। अंतिम शायरी के साथ समाप्त करूंगा, उसके बाद लास्ट प्राइज मिलेगा, फर्स्ट प्राइज। पढ़ेंगे लिखेंगे जरूर, पढ़ेंगे लिखेंगे जरूर, बट ना समझे मजबूर, अपने शिक्षा से हम कमी को करेंगे दूर। शिक्षा किसी की मोहताज नहीं जो चल के आएंगे, हमें ही तो कदम चलना होगा, फिर देखिए कैसे नहीं आएंगे। तो इसी के साथ मैं अब बुलाना चाहूंगा खुशबू कुमारी को, वो यहाँ पे आए और उनको सम्मानित करने के लिए अमित सर, अनिल सर, राजेश, सभी सर मिलकर के सम्मानित करेंगे। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोग अब जान ही चुके हैं कि टॉप में कौन थे, और मैं जाते तक दो चार चीज जरूर कहना चाहूंगा। Thank you.
और घनश्याम सर की तरफ से भी 200 रुपीज मिल रहे हैं। तो जाते तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं किसी को छोड़ता नहीं, तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है कि देखिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अमित सर इतना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए और एकदम टाइम पे, जैसा कि सर बोले कि एकदम हम पंक्चुअल हैं और एकदम पक्का टाइम पे आए 9 बजे। लेकिन मैं स्टूडेंट को देखता हूँ, आज तक स्टूडेंट एकदम मतलब ना टाइम पे आते हैं, ना टाइम पे पढ़ाई करते हैं और बाकी चीजों में। यही अगर दूसरा कोई प्रोग्राम रहता, अगर ये कोई रिकॉर्डिंग डांस होता या कोई अलग तरह का फंक्शन होता तो सारे बच्चे भी दौड़ते हुए चले जाते। लेकिन पढ़ाई का कोई फंक्शन होता है तो अच्छे से टीचर आकर के आप लोग को मोटिवेट करना चाहते हैं, आप लोग को बताते हैं कीमती समझो कि समय सब किसी के पास आजकल नहीं है, हर लोग कहीं ना कहीं बिजी है, लेकिन अपना इतना कीमती समय निकाल कर आते हैं और आप लोग को मोटिवेट करने के लिए आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स में से जो टॉप 24 में हम घोषित किए, उसमें से भी कुछ ही स्टूडेंट आए, जो कि सबसे अभी तक का सबसे वर्स्ट चीज दिख रहा है। तो खैर जो भी हुआ, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह सर ने आप लोग को मोटिवेट किया, आप लोग प्लीज अपने जीवन में इस प्रकार से मोटिवेट रहें और ठान लें, आगे की भी ठान लें कि जैसे कि अनिल सर भी बोले, अमित सर भी बोले, संतोष सर भी बोले और सभी सरों ने जिस प्रकार से आप लोग को मोटिवेट की, यही सोचना है कि यही करके आप आगे कैसे करना है और आगे सेल्फ स्टडी सही में 5 घंटे आप जरूर करें। जो जो सब्जेक्ट है वो क्या कमी रह गई है उस सारे कमी को दूर करें। सभी सर कहीं ना कहीं आपको पढ़ा रहे हैं तो आप सर का नाम उस लेवल तक पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को देखिए आप लोग पैसा दे देते तो पैसा से हम लोग को कुछ नहीं, सबसे मेन चीज होता है सम्मान, और वो सम्मान तभी हम लोग को बढ़ता है जब आप लोग एग्जाम में जाकर के बेहतरीन प्रदर्शन करके आते हैं, जो कि मेरा एक डायलॉग भी है कि जो बेहतर है वो तो ठीक है लेकिन बेहतरीन बनाना मेरा काम है। तो आप लोग क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम है अपने सर को बताएं, और अपने से उस प्रॉब्लम को नहीं दूर कर सकते तो सर को बताएं, जो सर का काम ही वो काम करें, क्योंकि आप लोग का काम नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे, हम लोग कैसे, हम लोग को भी तो आगे बढ़ना, और इस तभी बढ़ सकेंगे जब आप लोग कहीं जाकर के सेटल हो जाएंगे अपने जीवन में, आप लोग उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जो पहुंचना चाहते हैं। तो चलिए आप लोग आए, बहुत खुशी हुई, और जितने भी सर हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल कर आए। अमित सर कुछ लास्ट में जाते थे, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग के लिए, तो मैं अपना माइक उनको थमा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सर, ये जो प्रोग्राम विक्रम सर आप लोगों के लिए किए, ये एक तरह से मोटिवेशन है और इनका तो शायद ही मोटिवेशन रहता है, एवरी संडे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर, इनका मोटिवेशन शायद ही आता रहता है और स्टूडेंट के लिए ही रहता है अक्सर और कुछ बीच में हम लोगों के लिए भी डाल देते हैं। खैर बहुत बहुत धन्यवाद सर को, और ये आप लोगों ये नहीं समझिए कि आपको प्राइज दे दिया गया आपको छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं, आप लोग मोटिवेट होइए और अपने साथ जो बच्चे साथी आपके नहीं आए उनको जरूर बताइए कि नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अच्छे से टेस्ट दीजिए और स्कॉलरशिप का जो भी प्राइस रखा जाता है वो आप लोग को मिलता है। इससे क्या हुआ, ये आप यहाँ का लक्ष्य कर रहे हैं, निश्चित है एग्जाम में भी आपका एग्जाम जो बेटर जाएगा और अच्छे कीजिएगा। सर का हमेशा आप लोगों के प्रति, आज नहीं है, नया नहीं है प्रोग्राम, ये हमेशा होता आ रहा है, आज बस हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन ये सर आप लोग हमेशा मोटिवेट करते हैं। और विक्रम जी शायद आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ उनका जॉब भी हुआ, वो जॉब छोड़ के आप लोगों के यहाँ आए, क्यों, इसलिए कि वो चाहते तो आगे बढ़ सकते थे लेकिन टीचिंग को इसलिए अपनाए कि नहीं आप लोगों को कुछ दे सके, तो इसलिए कम से कम टीचिंग लाइन में है और आप सर से जितने भी यहाँ सर बैठे हुए हैं सबसे आप जो भी लेना चाहेंगे आपको मिलेगा, लेकिन पाने वाले को, बिना पाने वाले को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि प्यासा जो होता है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, इसलिए आप लोगों को जो भी चाहिए बाकी सर यहाँ पे है, सबसे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम जो भी आ रही टाइम में जो भी एग्जाम होगा उसको अच्छे से आप लोग डील करेंगे और जो मेन एग्जाम आपका बोर्ड का है उस पर तैयारी कीजिए, 1-2 महीना समय है, सेल्फ स्टडी, ग्रुप डिस्कशन और सर लोगों से हेल्प लेके सक्सेस कीजिए,
सबको गुड लक, थैंक यू। थैंक यू विक्रम सर, थैंक यू। तो आप और जैसा कि मैं बता चुका हूं क्लास में भी कि आप लोग के लिए नाश्ता है, रुक जाएंगे उसके बाद गिरी की निकलते हुए चले जाएंगे। तो आप अगर कोई भी सर अगर कुछ और बोलना चाहते हैं तो और भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, सब तो हम लोग कंप्लीट कर ही लिए। तो एक दो चीज और बच गया, पंकज कुमार को 100 मिलेगा, तो वो हम देना भूल गए। एक चीज और ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे मिस्टर बटेश्वर, मिस्टर बटेश्वर मेरा पूर्व स्टूडेंट रहा है और मेरा पहला स्टूडेंट बटेश्वर यहाँ पे है और ये भी इंडियन आर्मी में है, तो वो भी कुछ दो शब्द रखेंगे स्टूडेंट के लिए कि किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल तो देखते सब भटकते जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या ख्याल है मिस्टर बटेश्वर? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट एंड टीचर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं विक्रम सर ने बाहर टेस्ट का आयोजन रखा था, हम लोग भी फर्स्ट मतलब स्टूडेंट हम फर्स्ट स्टूडेंट स्टूडेंट थे जो विक्रम सर के पास शुरू से किसी के पास पढ़े थे और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। यह बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि आप लोग आगे बढ़िए और खूब मेहनत कीजिए। अभी हम इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं, अभी गुवाहाटी में पोस्टिंग है, अभी छुट्टी में आए माँ का ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए बाकी सर है सब कुछ बहुत बताए किए। तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये मेरा छुट्टी ये और कुछ और स्टूडेंट रहे हैं जो भी सर है, तो ये लोग बहुत ही जैसे कि आप लोग थोड़ा सा सिंसियरिटी नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये लोग कुछ समय मैं बता दूं कि पिटता भी बहुत पिटता था, अभी उतना पिटने उठने का काम हम छोड़ दिए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पिटते थे, फिर भी ये लोग बहुत सिंसियर होकर के 4 बजे सुबह में पढ़ने आ जाता था और रात में भी पढ़ता था, सुबह में पढ़ता था, बहुत सिंसियर। हमको लगता है कि ये इंटर पास करने के बाद तुरंत इंडियन आर्मी में इनका ज्वाइन हुआ था और बहुत मेहनत करते थे, और उस समय के स्टूडेंट आप लोग से बेहतर थे, लेकिन उस समय मैं बेहतर नहीं था क्योंकि मैं उतना मुझे नॉलेज नहीं था कि केमिस्ट्री को किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए। लेकिन आज मैं देखता हूं कि मैं अगर एनर्जेटिक होकर पढ़ाता हूं लेकिन स्टूडेंट उस तरह का नहीं मिल पाता है जिस तरह से उस समय के स्टूडेंट थे। खास अगर उस समय के स्टूडेंट अभी अगर आप लोग से अगर टक्कर लेते तो कहीं ना कहीं टॉप वे लोग ही होते। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बस आप लोग ये सोचे कि अगले बार से जो भी करना है आपको 12th आप लोग निकल ही जाएंगे, लेकिन जो 11th में है, 11th में से स्टूडेंट भी दिख नहीं रहा है, तो 11th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो मोटिवेट रहे हैं, वो अपने आप को कम ना सोचे, आगे आने वाला जो है टेस्ट में आप लोग बेहतर प्रदर्शन करें। फिर से मैं जब अमित सर को बुलाऊं तो उनको भी प्राउड फील होगी, नहीं मुझे बुलाया गया और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो अमित सर को भी ये प्राउड फील होना चाहिए, संतोष सर को भी प्राउड फील होना चाहिए, सभी सर को जो भी यहाँ पे बैठे हैं सबको मैं यही आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले बेहतर रिजल्ट करें और रिजल्ट के बाद में फिर से बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित करूंगा। मेरे तरफ से सारा चीज आप लोग कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप लोग को आना है, अब आने में भी कष्ट न करें, लेकिन सबसे पहला काम है कि आप लोग फ्यूचर में जो भी आने वाला 12th का जो एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम में एकदम इतना बेहतर प्रदर्शन कर दें कि सभी सर को प्राउड फील हो। तो इतना ही कहने के साथ ही मैं इस प्रोग्राम को कंक्लूड करता हूँ, मतलब अंत कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मिलूंगा क्लास में, तब तक ये आप सभी को जैसा कि हमेशा बोलता हूँ धन्यवाद। और कुछ स्टूडेंट का प्राइज रह गया और उसको हम बाद में वो हम दे देंगे, ठीक है? तो बोर्डो का यहाँ पे बचा रह गया कुछ प्राइज, सभी 24 को मेडल मिलेगा और साथ ही साथ कुछ प्राइज है जो मैं कल आप लोगों को क्लास में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू।